सर हिज मोबाइल वॉज सीज्ड, हिज डेटा वॉज डिलीटेड, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। हुआ तो हुआ। इंडिया टुडे के कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई का कांग्रेस प्रेम दशकों पुराना है। ये गहरा भी है, इतना गहरा कि अब वे अपने कलीग जर्नलिस्ट रोहित शर्मा पर राहुल गांधी की टीम द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर ठीक ढंग से सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं, और जो सवाल किए भी गए वो भी घटना के 4 से 5 दिन बाद। कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएटेड विद इंडिया टुडे वॉज रफ्ड अप, his mobile phone seized, his data deleted while he had just done an interview with you ahead of Rahul Gandhi's trip in Dallas. Rajdeep Sardesai ne apne propaganda show mein kal Sam Pitroda ko invite kiya, jahan unhone Sam Pitroda se Rahul Gandhi ke US visit par charcha ki. Saath hi Rahul Gandhi team ki taraf se India Today ke patrakar Rohit Sharma ke saath jo badsalooki ki gayi us par sawal kiye, magar Sam Pitroda ne isse saaf inkaar kar diya. Pitroda ne ye jatane ka pura prayas kiya ki unhe koi jankari nahi hai. I am not aware of it. I wasn't there. I do know that I gave an interview to Rohit Sharma. He was very pleasant. We had a decent conversation. And I am not aware of it. But if something happened, I'll look into it. And, I will follow up. But I have no idea. Sam Pitroda बार बार राजदीप सरदेसाई को ये दिलासा दे रहे थे कि वो इस घटना की जानकारी लेंगे और अगर ऐसा हुआ है तो वो इसके खिलाफ हैं। वैसे यदि रोहित शर्मा की बातों का विश्वास किया जाए तो यही समझ आता है कि साम पित्रोदा सरदेसाई के सामने साफ साफ झूठ बोल रहे थे और सरदेसाई ने उनकी बात को लेकर आवश्यक सवाल नहीं किए। पत्रकार रोहित शर्मा द्वारा ये साफ किया गया था कि जब उनके द्वारा साम पित्रोदा से बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर सवाल किया गया तब साम पित्रोदा ने जवाब दिया कि ये राहुल गांधी और उनके सांसदों पर निर्भर करता है और वे इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। जिसके बाद राहुल गांधी की टीम ने पत्रकार रोहित शर्मा के फोन को छीन कर पूरा इंटरव्यू डिलीट कर दिया था। करीब 30 मिनट तक उनकी प्राइवेसी और पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन किया गया। पत्रकार रोहित शर्मा ने इसके बाद साम पित्रोदा के साथ बात करके इसी इंटरव्यू को एक बार फिर करने पर बात की थी, जिस पर वे राजी भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। ऐसे में क्या राजदीप सरदेसाई ने पूछा कि साम पित्रोदा ने इस पूरे घटना के बाद पत्रकार रोहित शर्मा को वो इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? इस घटना को 4-5 दिन बीत गए हैं, मगर इतने दिनों बाद क्यों ये सवाल उठाए गए? और अगर सवाल किए भी गए तो क्या राजदीप सरदेसाई को कल अपने प्रोपेगेंडा टाइम शो में साम पित्रोदा के साथ पत्रकार रोहित शर्मा को नहीं बिठाना चाहिए था, ताकि सबके सामने ये खुलासा हो सके कि राजनीति के लिए राहुल गांधी की टीम कैसे हिंसक हो जाती है? लेकिन नहीं, ये राजदीप सरदेसाई कभी नहीं करेंगे। जहां राहुल गांधी का नाम है वहां से राजदीप सरदेसाई अपना पल्ला झाड़ना ही सही समझते हैं। वैसे राजदीप सरदेसाई किसी कांग्रेसी की तरह ही बार बार पोस्ट करके दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि सैम पित्रोदा ने प्रॉमिस किया है, उम्मीद है कि वो इसे पूरा करेंगे, कांग्रेस पार्टी इसे पूरा करेगी। पूरा करेंगे कि राजदीप सरदेसाई नहीं जानते कि कांग्रेस ने आज तक कभी भी अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। दावे, वादे और दिलासे बहुत दिए हैं, मगर वो वहीं सीमित होकर रह जाते हैं। फिर ये तो साम पित्रोदा हैं जो इस मुद्दे पर यही कहेंगे। हुआ तो हुआ। वैसे जो गौर करने वाली बात है वो ये कि सरदेसाई ने यहाँ एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, जबकि पत्रकार रोहित शर्मा ने साफ साफ इस बात पर जोर दिया है कि राहुल गांधी की टीम ने उन पर हमला किया। सरदेसाई ने अपने किसी भी ट्वीट में राहुल गांधी से सवाल नहीं किया कि आखिर उनके पत्रकार के साथ ऐसा क्यों किया गया, आखिर राहुल गांधी जी का ही तो इवेंट था। राजदीप सरदेसाई जी को ये सब सवाल करने चाहिए थे, मगर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए सवाल हम कर रहे हैं। आगे भी बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।